Hey guys, welcome back to the brand new exciting video. My name is Obdas and guys, आज ही एक न्यूज आया है Oppo की तरफ से. Oppo K10 सीरीज इंडिया में रिलीज होने वाला है जो कि 23 मार्च को. बट गाइज, आज मैं आपको इस फोन के बारे में बहुत ऐसे न्यूज आ रहा है. गाइज, ऐसा भी एक न्यूज आ रहा है कि इस फोन के अंदर आपको MediaTek 8000 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है. एंड आप समझ सकते हो मैं इस फोन के लिए क्यों एक्साइटेड हूँ. MediaTek Dimensity 8000 जो प्रोसेसर आपको Realme GT Neo 3 में भी देखने को मिलने वाला है, MediaTek Dimensity 8000 सीरीज का, तो इसके लिए मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ. बट गाइज, मुझे लगता है कि इस फोन के अंदर आपको MediaTek Dimensity 8000 प्रोसेसर देखने को नहीं मिलेंगे. कौन सा प्रोसेसर होगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा. ओके, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए. एंड गाइस, एक और चीज, आज तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं, कल मैं एकदम डेडिकेटेड एकदम प्रॉपर्ली इसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा. वो वीडियो को जरूर से देख लेना. उस वीडियो में मतलब खतरनाक टाइप का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा. आज तो कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपको दूंगा ही, उसके साथ साथ कल एकदम और भी रिसर्च करूंगा इस फोन के ऊपर एंड और भी बहुत सारे आपको एक्सक्लूसिव न्यूज देने वाला हूं. ओके, तो वीडियो को चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके रखिए. गाइस, ओप्पो की तरफ से ये जो फोन आने वाला है इंडिया में वो काफी हद तक मतलब अच्छा फोन होने वाला है. जैसे ओप्पो रेनो 7 सीरीज था वैसा ही कुछ हाइप क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बहुत टाइम बाद ओप्पो के सीरीज इंडिया में लॉन्च होने वाला है. ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो सबसे पहले गाइज, आपका एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, जो के लिए जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो. जो ये वाले फोटो जो आप देख रहे हो ओप्पो के टेन सीरीज का, ये गाइज चाइनीज एडिशन का फोटो है. ओके, एंड चाइनीज एडिशन एंड इंडियन एडिशन में फ़र्क है. चाइनीज एडिशन ओप्पो के टेन सीरीज का जो चाइनीज एडिशन है वो चाइना में रिलीज नहीं हुआ है. बट गाइज, ओप्पो के नाइन सीरीज चाइना में रिलीज हो गया है. उसका ही गाइज मॉडिफाइड वर्जन, रीब्रांडेड वर्जन आप कह सकते हो, उसको ही अलग नाम से ओप्पो के टेन के नाम से इंडिया में लॉन्च हो सकता है. एंड गाइज, ओप्पो के 9 सीरीज के अंदर चाइना में आपको तीनों फोन देखने को मिलता है. तीनों फोन में से एक फोन को तो कट कर दिया एंड दो फोन के अंदर मुझे लगता है कि दो फोन का मिक्सचर कॉम्बिनेशन होने वाला है. ओके, ओप्पो के 9s एंड ओप्पो के 9s. बेटा दिमाग खराब मत कर, कन्फ्यूज मत हो. ओप्पो के 9X, एक्स फॉर एक्समस एंड ओप्पो के 9S इज फॉर स्मॉल. ओके, तो ये दोनों फोन का मिक्सर वर्जन हो सकता है. एंड गाइस, अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो मुझे लगता है इस फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 768 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है. ओके, एंड गाइस, मैं पूरा 100% तो श्योर नहीं हूँ, बट अभी भी मुझे रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा बहुत. ओके, जुगाड़ लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेसर के बारे में बता सकता हूँ. बट गाइस, ऐसे कुछ न्यूज़ आ रहा है जिसके बेसिस पर मैं ये बोल रहा हूँ. एंड आप खुद भी देख सकते हो इस वाले फोटो में डायमेंसिटी नहीं है, आपको स्नैपड्रैगन का लोगो दिखाई दे रहा है. ओके, आप अगर ध्यान से देखो तो ये टेक्नोलॉजी ने भी कहा था, मैं भी कह रहा हूँ. ओके, तो ए वाला प्रोसेसर गाइस हो सकता है. एंड इसके साथ साथ गाइस, इसके अंदर आपको 90 हर्ज का एमोलेट होगा या फिर 120 हर्ज का एलसीडी पैनल होगा, तो प्राइस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है. ओके, एंड उसके साथ साथ आपको 30 वाट का आपको चार्जर देखने को मिलेंगे विथ 5000 mAh बैटरी. ओके, एंड अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है गाइस अंडर 20,000 इंडिया में लॉन्च हो सकता है. अब गाइस, मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट ओप्पो पिछला जो के सीरीज लॉन्च हुआ था इंडिया में उसको देखकर मैं बस बोल रहा हूँ. तो बस गाइस, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया है. वीडियो छोटा था बट इन्फॉर्मेटिव था, तो वीडियो में मेरा पूरा अंत तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.